नमस्कार। क्लास इलेवेंथ और क्लास नाइन्थ में मोल कंसेप्ट जो है टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने 19 अगस्त को वेबिनार ऑन मोल कंसेप्ट अर्थात मोल अवधारणा पर एक वेबिनार का आयोजन किया था, और इस वेबिनार में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो मोल क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, मोल एंड वॉल्यूम एट एसटीपी, इन बिंदुओं पर जो है हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मोल क्या है। मोल एक नंबर है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपको फ्रूट वाले से 6 बनाना लेना है तो हम बोलते हैं भैया 6 बनाना दे दीजिए, यानी 6 क्या है, एक नंबर है। यदि हमको यदि 12 केले लेना है तो हम 12 की जगह उसको बोलते हैं एक डजन। इसका मतलब ये हुआ कि एक डजन में 12 संख्या होती है। इसी ढंग से यदि हमको स्वीट की दुकान से 500 ग्राम मिठाई खरीदना हो, लड्डू खरीदना हो, तो उसको हम बोलते हैं 500 ग्राम लड्डू दे दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे एक क्वांटिटी है, 500 ग्राम एक क्वांटिटी है, और उसकी ये ग्राम में जो है यूनिट है। इसी प्रकार से मोल भी एक संख्या है, और जिसका प्रयोग मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो वास्तव में मोल क्या है? मोल इज ए ऐसा यूनिट, मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। मोल क्या है? किसी भी सब्सटेंस के मात्रा को प्रदर्शित करने की एक इकाई है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास ऑफ द सब्सटेंस, उसको हम जो है मोल के रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि मोल एक इकाई है जिसके द्वारा हम पदार्थ की मात्रा का मापन करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। मोल को समझने से पहले हमको परमाणु द्रव्यमान समझना होगा, एटॉमिक मास क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज दैट नंबर विच शोज द एवरेज मास ऑफ द वन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के 12वें भाग से उस तत्व का एक परमाणु कितना गुना भारी है वो उसका एटॉमिक मास होगा, और ये एटॉमिक मास हम रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर कुछ आप एटॉमिक मास देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एल्युमिनियम का 27, ठीक है। तो ये जो है एटॉमिक मास है विभिन्न तत्वों के। इसी ढंग से ग्राम एटॉमिक मास, इफ एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम। ये इस प्रकार की एग्जांपल है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट नंबर विच रिप्रेजेंट दैट मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आर हाउ मच टाइम हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम। यानी किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। आणविक द्रव्यमान की इकाई को हम एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा दर्शाते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास यदि हमको निकालना, जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 × 1 + 16 = 18।
अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड कर लेंगे तो 44 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे H2O का 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है 100 ग्राम, H2SO4 का 90 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। अब मोल क्या होता है? मोल ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज नोन एज मोल ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। यानी किसी भी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक मास है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मोल ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो गया मॉलिक्यूल में, और एटम में आपने देखा होगा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ एन था, यहाँ 1 मोल ऑफ N2 है। सिमिलरली CO2, तो CO2 में 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। एवोगेड्रो नंबर क्या है? तो MD और एवोगेड्रो ने जो है इसका कैलकुलेशन किया था, एक कांस्टेंट है ये जिसका मान 6.022 × 10²³ होता है। अब मोल और एवोगेड्रो नंबर क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन में जो संख्या होती है पार्टिकल्स की वो होती है 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, और ये संख्या एवोगेड्रो संख्या कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर इंटरलेशन देख सकते हैं। अब मोल का वॉल्यूम से भी रिलेशन है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर आप जैसे कि 3 गुब्बारे देख रहे हैं, नियान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एक गुब्बारे में नियान गैस भरी हुई, एक में ऑक्सीजन है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड है। नियान का वेट 40 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 28 ग्राम मास है, एटॉमिक मास है। लेकिन इन सबके देखिए वॉल्यूम 22.4 लीटर है। क्यों? क्योंकि इन सबके 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है 22.4 लीटर, लेकिन 1 मोल का जो मास है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी कि मोल का जो रिलेशन है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ कुछ फार्मूले दिए हैं जिनसे हम मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो कैसे आप करेंगे। अब ये एक आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें 1 मोल ऑफ एटम को बताया है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम। और 1 मोल ऑफ एटम में जो एटम्स की संख्या होती है वो 6.022 × 10²³ होती है। इसी ढंग से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और इसमें मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 × 10²³ होती है। लेकिन यदि मॉलिक्यूल गैसियस है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, यानी ये सब 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर, ये और ये 1 मोल ऑफ एटम के बराबर, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ होमवर्क है आपके लिए जो आप सेक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको कर सकते हो आप। ये कुछ और यदि आपको देखना है तो थैंक्स। तो ये था आज का आपका।